नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 13 से लेके 20 सितंबर तक की होगी। ये रीडिंग ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग टॉरस यानी वृषभ राशि। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, जो बात मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये उनके साथ भी मैच कर सकता है। तो आपको पता है एनर्जी किसका है, आप एनर्जी के साथ जाइए, ना जेंडर ना जेंडर के साथ मत जाइए, आप एनर्जी के साथ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग टॉरस यानी वृषभ राशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, टॉरस की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स बताइए टॉरस की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, टॉरस की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, टॉरस की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, टॉरस की पर्सन की करंट फीलिंग्स, टॉरस की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सेवन ऑफ वंड्स, ये मेहनत करना चाहते हैं, खुद की पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं और रिश्ते पे भी मेहनत करना चाहते हैं, ना खुद गिव अप करना चाहते हैं ना आपसे ये उम्मीद रखता है कि आप भी गिव अप करो। ये रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं, अपने स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करना चाहते हैं और आपसे भी ये उम्मीद करता है कि आप भी करो। अभी देख लेते हैं सेवन ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड्स की माए हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। अगर हम सेवन ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, वृषभ राशि के सेवन ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, वृषभ राशि सेवन ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे सेवन ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। वृषभ राशि आपके पर्सन क्यों मेहनत करना चाहते हैं, टेम्परेंस ये रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं धीरे धीरे। थ्री ऑफ वॉन्ट्स टावर, ये मेहनत इसलिए करना चाहते हैं, हो सकता है इन्होंने पहले रिश्ते में बैलेंस नहीं किया था, पहले इन्होंने आपको इग्नोर किया था, पहले आपकी तरफ से जो भी उनको गेस्चर मिला था उन्होंने सारी चीज़ों को इग्नोर किया, या फिर आपने उनको इग्नोर किया, आपने उनको कुछ किसी और चीज़ों के कारण किसी और के कारण आपने उनको इग्नोर किया और अचानक से उनके लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया। उनको लगता है ये एनर्जी है तो इसीलिए ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते के लिए मेहनत करना चाहते हैं, अपने लिए मेहनत करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं, पेशेंस के साथ आगे जाना चाहते हैं। हो सकता है अभी आप उनके लाइफ में आ रहे हो या फिर वे आ रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हो ये एनर्जी किसका है, ये आपको पता है आप दोनों में से। तो ये अभी खुद के लिए कुछ बेटर सोच रहा है, हालांकि आप उनके पास हो, आप उनसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन आपको वो इग्नोर इसलिए कर रहा है कि वो अपने आप को सही करना चाहते हैं, पहले खुद पर मेहनत करना चाहते हैं और जल्दबाजी से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत के साथ पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्ते में भी। अभी देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप करेंटली बहुत ज़्यादा अपने एनर्जी में हो, आप बेकार की परेशानी, बेकार के रिश्ते, बेकार की बातें, आप उसको अपने लाइफ में रखना नहीं चाहते हो। जो भी, चाहे कोई इंसान हो,
जिससे जरूरत नहीं है आपकी, जो आपके लिए काम के ना हो, आप उस चीज से खुद को अलग करना चाहती हो, आप दिमाग से सोचना चाहते हो, दिल से नहीं। हो सकता है पहले आप बहुत ज्यादा दिल से सोचते थे, लेकिन अभी करेंटली आप हर चीज को दिमाग से सोचना चाहते हो और आप भी अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। ये आपकी करंट फीलिंग्स है। अगर हम क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। पहले आप अलग तरीके के थे, लेकिन अभी आप किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे द वर्ल्ड का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, आपके ऊपर हर चीज का जिम्मेदारी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हो, एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो अपनी लाइफ को, पुराने गिले शिकवे खत्म करना चाहते हो, आप कभी पैसे सेविंग्स करना चाहते हो, अपने लिए जीना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, खुद को संवारना चाहते हो, सजना संवारना, अपने आप को मेंटेन करना, हर चीज को। अब धीरे धीरे आप भी पेशेंसली एक परिवार को जैसे चलाना, रिश्ते को चलाना, अपने आप को समेटना, ये सारा चीज आप करना चाहते हो। आप किसी फिनेंशियल अबंडन की आप इंतजार कर रहे हो कि आपके लाइफ में कोई फिनेंशियली ग्रोथ हो, आप खुश रहना चाहते हो, आप हर चीज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना चाहते हो, चाहे उसके लिए वक्त लगे, लेकिन वो चीज जिसे बोलते हैं एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, इस तरह के थॉट के साथ आप अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा है आपने। इसीलिए बेकार की बातें, बेतुकी बातें, बेकार की लोग, बेकार की परेशानी अभी आप अपने लाइफ में नहीं चाहते हो। अभी यही आपकी करंट फीलिंग्स है। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। टॉरस, टॉरस के पर्सन क्या चाहते हैं प्लीज यूनिवर्स। टॉरस के पर्सन, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, टॉरस राशि के, वृषभ राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी पर्सन क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन, टेन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन दुखी हैं, परेशान हैं। हो सकता है आपने इनको धोखा दिया है, इनको लगता है, इसीलिए जब आपने इनको छोड़ा था तो ये समझ नहीं पा रहे थे इनको क्या करना चाहिए। अभी धीरे धीरे ये खुद को संभाल रहे हैं। करंटली अभी ये, इनको पहले लगता था कि ये नहीं कुछ कर पाएंगे, फिर से दोबारा सही नहीं हो पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये होने की कोशिश कर रहा है, धोखे से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इनको लगता है आपने इनको धोखा दिया है। अभी देख लेते हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, ये खुद को बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे ये दोस्ती करना चाहते हैं, पार्टी करना, पार्टी देना, पार्टी लेना, एम्यूजमेंट करना, ये रिश्ते में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं। हो सकता है किसी यंग एनर्जी के साथ ये खुद को जोड़ना चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं। ये अभी जो है इनको धोखा मिला है तो इनको लगता है कि अब प्यार से इनका जो भरोसा था वो उठ गया है। ये भी फ्लर्टिंग के मूड में है, ये किसी को डेट देना, डेट लेना, इस तरह के कुछ हल्के फुल्के रिश्ते में बांधना, खुद को बांधना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा मैच्योर होना, मैच्योरिटी के साथ रिश्ते निभाना, वादे शादे करना, ये अभी नहीं चाहते हैं। ये चाहती हैं या चाहते हैं, जो भी है जेंडर में मत जाइए, मतलब एक अनस्टेबल रिश्ता, घूमना फिरना, मजे करना, वक्त देना, वक्त लेना, दोस्तों के साथ घूमना, दो चार लोगों के साथ बातें करना, इस तरह के अभी इनकी एनर्जी है। ये चाहते भी हैं क्योंकि धोखा इनको मिला है, इनको लगता है कि धोखा उनको मिला है, इसीलिए ये अभी किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये धीरे धीरे स्टेबिलिटी के तरफ जाएंगे, लेकिन अभी ये अपने लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं, टॉरस आप खुद क्या चाहते हो। वैसे आप तो फिनेंशियल अबंडेंट चाहते हो, आप भी बेकार चीजों में खुद को
नौकरी नहीं चाहते हो, आप भी अपने लिए लाइफ को नई तरह से देखना चाहते हो, नए सफी में जाना चाहते हो, टेन ऑफ कप्स, आप एक कंप्लीशन चाहते हो, परिवार, रिश्ते, बच्चे, घर, आप इस तरह के सोच रहे हो, आपके लिए आपके परिवार, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहले ही आया था, आप अपने परिवार, घर, परिवार, बच्चे, रिश्ते, इन सब चीजों को आप जीना चाहते हो, अपने ज्यादातर वक्त आप अपने परिवार के साथ रहना चाहते हो, आपको ये लगता है कि आपके लिए आपके परिवार ही सब कुछ है, आपके बच्चे, आपके घर, आपके परिवार, ये सब कुछ आपके लिए है। अभी देख लेते हैं टेन ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। टॉरस, टेन ऑफ कप्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे टेन ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। टॉरस, एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ हार्ट्स, जैसा मैंने कहा कि कार्ड भी आया था कि आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो, आप प्यार चाहते हो, आप जिनके साथ रिश्ते में थे उनके साथ ही आप प्यार चाहते हो, आप खुद को उस तरह से काबिल बनाना चाहते हो जिस तरह से वो खुश रहे, लेकिन आप सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना चाहते हो। प्यार तो आपको भी चाहिए, ऐसा नहीं कि प्यार आपको नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, रिश्ता नहीं चाहिए, सब कुछ आपको चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ में अभी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हो, आप खुद को स्टेबल बनाना चाहते हो, खुद के लिए जीना चाहते हो, सजना संवरना, खुद से प्यार करना, जिसे सेल्फ लव कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, आप प्यार नहीं चाहते हो, आप अपना सोलमेट जैसा प्यार चाहते हो, आप जिनके साथ रिश्ते में थे अगर उनके साथ आपको प्यार मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं भी मिला तो आप अपने आप से प्यार करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप किसी और के पास जाना चाहते हो, आपको अपने परिवार से ज्यादा जुड़ाव है, आप परिवार के लिए जीना चाहते हो, जिनके परिवार नहीं है, जो रिश्ते में है वो रिश्ते को जीना, मतलब परिवार की तरफ देखता है कि इनके साथ अगर मैं रिश्ते में रहूं तो इनके साथ परिवार बनाया जा सकता है, आप अपने प्यार को एक पारिवारिक मेटेरियल की तरह देखना चाहते हो, पूरा जो परिवार के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उठाना चाहते हो, आप उठा भी रहे हो मुझे लग रहा है करंटली, लेकिन आप सबसे पहले अपने परिवार को और अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहते हो, पहले आप खुद बाद में सब कुछ, ये आपकी करेंट फीलिंग्स है। आप मेहनत भी करना चाहते हो तो भी परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जिनके बच्चे हैं, जिनकी नहीं है वो फ्यूचर में परिवार बच्चे बनाएंगे इसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, और जो बच्चे परिवार है वो तो उनके लिए चाहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंट देना चाहते हो। अभी देख लेते हैं ये जो बग मैंने बताया इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों में से दोनों ही अपना इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे, साइलेंटली रिश्ते को ऑब्जर्व कर सकते हो, कुछ नहीं बताना, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे को देख के पता चल जाएगा कि आप दोनों ही रिश्ता चाहते हो, प्यार चाहते हो, लेकिन कोई भी किसी के सामने ना गिड़गिड़ाएगा ना बोलेगा। अभी देख लेते हैं टॉरस, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, टॉरस यानी वृषभ राशि, टॉरस के क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, जजमेंट, रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, नाइन ऑफ कप्स, विश पूरा हो जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने की चांसेस है, आप खुद भी चाहते हो और आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन भी होगा क्योंकि आप दोनों के लिए रिश्ता एक विश पूरा होने जैसा है। स्लोली बट श्योरली आप दोनों ही रिश्ते की तरफ जाना चाहते हो, दोनों को ही परिवार पसंद है, लेकिन आपके पसंद थोड़ा कुछ अलग तरीके से सोच रहा था, लेकिन वक्त आते आते दोनों ही रिकॉन्सिलेशन में आने की कोशिश करोगे, दोनों का ही परिवार, रिश्ता, बच्चे, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों ही एक साथ आओगे स्टेबिलिटी पाने के लिए, लेकिन हाँ दोनों ही अपने इमोशन को कंट्रोल करके आगे बढ़ोगे, एक दूसरे के प्रति आप लोगों का जो प्यार है वो आप दिखाओगे नहीं, लेकिन किसी भी कारण से, समाज के कारण से हो, बच्चों के कारण से हो,
प्यार के कारण से हो आप लोग आगे रिश्ते में जरूर बढ़ोगे, ये कार्ड के अनुसार मुझे दिखाई दे रहा है। और जो लोग शादीशुदा नहीं है वो शादी के बारे में सोचेंगे, बात होगी, रिकॉन्सिलेशन होगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, हर तरीके से दोनों ही अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। अगर आपको लगता है, आपके पर्सन को लगता है आपने धोखा दिया है, कुछ भी किया है, वो धीरे धीरे चीजों को भूलने की कोशिश करेंगे और दोबारा से रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचेंगे। उनको समझ आ जाएगा कि आपके साथ रिश्ता ही उनके लिए सही है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, आप जिनके साथ रिश्ते में हो सकता है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई हो सकता है, टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई भी राशि के हो सकता है, 12 के 12 राशि। फिर भी मैं कहूँ यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आप दोनों ही अपने अपने जगह, देखो कार्ड देखो, आप दोनों ही अपने अपने जगह अपने दोनों ही स्टेबल हो, एस्टेब्लिश्ड हो, और दोनों को ही अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा प्यारा है, दोनों का ही ईगो बहुत ज़्यादा है, कोई किसी की तरफ नहीं जाना चाहते हो, लेकिन अगर आप ईगो के कारण एक दूसरे से दूर दूर रहोगे तो रिकॉन्सिलेशन होना संभव नहीं है। इसलिए अपनी ईगो को छोड़िए, प्यार है रिश्ते में, अपनापन है तो आगे जाइए। बेकार की चीज़ों से नफरत करना सही बात है, लेकिन अगर प्यार है और आप अपनी ईगो को लेके बैठे हो तो आपका वक्त नष्ट होगा, जाया होगा। इससे अच्छा है, हाँ आप खुद से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिश्ते को ख़त्म करना, रिश्ते में परेशानी लाना सिर्फ ईगो के लिए, ये आपके लिए गलत होगा और रिश्ते के लिए भी गलत होगा, और जो लोग आपके रिश्ते में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी गलत होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।